जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लागू प्रतिबंध का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सवाल पूछे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सवाल पूछे गए हैं। राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है, तो 5 अगस्त के बाद से ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल सीधे केंद्र सरकार से पूछे हैं। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ऐसे में घाटी में हालात को सामान्य केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा था, और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल यहां पर केंद्र सरकार से किए गए हैं। राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या है, 5 अगस्त के बाद से ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या है, क्या वाकई जो स्थिति है वो सामान्य हो चली है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब जो है वो दाखिल, अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार दाखिल करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ये सवाल पूछे हैं। तो 5 मई के बाद किस तरह की स्थिति ट्रांसपोर्ट में देखी जा रही है घाटी के अंदर, तो 5 अगस्त के बाद से ट्रांसपोर्ट में क्या स्थिति है, सरकार आज अपनी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जो है वो दाखिल करेगी। तो आज की सुनवाई के दौरान भी काफी अहम दिन ये माना जा रहा है, और क्या कुछ यहाँ पर रखी जा सकती है इस रिपोर्ट के जरिए, ये देखने वाली बात होगी। तो राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या है, सीधा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया था, जिसको लेकर आज रिपोर्ट दाखिल करेगी केंद्र सरकार।